नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। 125th एपिसोड, 125वां एपिसोड, 8 जून 1964 आबू पहाड़ पर किया गया, स्वामी लीलाशाह जी का प्रवचन। टॉपिक है सबका आधार। स्वयं को अविनाशी अखंड आनंद ही आनंद स्वरूप जानकर सदैव उस आनंद ही आनंद में स्थित रहना चाहिए, यही तो ईश्वर का दर्शन है। यकीन कर लेना चाहिए कि आनंद मेरी जान है। एक आनंद स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ 14 लोकों में बना ही नहीं है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। स्वयं को भूलने पर शरीर आदि जगत के पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं तथा स्वयं को यथार्थ समझने पर सिर्फ एक आनंद स्वरूप ही रहता है। पूछोगे कि स्वामी जी तो फिर ये पदार्थ आदि दिखाई दे रहे हैं वे क्या हैं? भाई ये ऐसे हैं जैसे लहरें बुदबुदे, छोटी लहरें, बड़ी लहरें, इन सब का आधार एक जल ही है। जल के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। या जैसे अनेक गहने हैं उन सबका आधार एक सोना ही है, या अनेक घड़े हैं उन सबका आधार एक मिट्टी ही है। मिट्टी के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। मिट्टी नहीं होती तो क्या घड़े बनते? नहीं। वैसे ही जो कुछ हम देख रहे हैं उन सबका आधार एक आनंद स्वरूप परमात्मा ही है। सब में आनंद की ही सत्ता है, ये सब आनंद स्वरूप ही तो है। बहुत ही तात्विक सत्संग है ये, सबका आधार, व्हाट इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। एंड देन स्वामी जी रिलेट्स दिस विद योर इनर सोल, एंड देन ही सेज द गॉड एंड योर सोल इज नॉट डिफरेंट, यू एंड गॉड आर अलाइक, दे आर सेम, दे आर नॉट ड्यूअलिटी, बोथ आर सेम। इस पर और मैं क्या विचार विमर्श करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही सारगर्भित बात है कि आप ये सोचिए जब भी कोई अच्छा काम हो या बुरा काम हो कि ये मैंने नहीं किया, मेरे शरीर द्वारा हुआ है, मेरे दिमाग द्वारा हुआ है, मैं निर्लेप आत्मा हूँ। गीता के सार में भी यही बातें कही गई हैं और अर्जुन को भी यही समझाया गया। तो कितनी अच्छी बात है अगर आप ये समझें कि जब यह ज्ञान आत्मसात किया जाता है तो कर्म को भी उससे जोड़ा जाता है। अर्जुन क्षत्रिय थे तो उन्होंने गीता के सहारे से गांडिव उठाया और फिर युद्ध किया, हाहाकार मचा दिया हर तरफ और युद्ध में विजयी हुए पांडव। पर वही अगर कोई आत्मज्ञानी या योगी पुरुष उस ज्ञान को आत्मसात करता है तो वह अपनी आत्मतत्व को साधता है, वो कोई क्षत्रिय धर्म नहीं निभाता है, बल्कि वो तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके ऋषि भाव को प्राप्त करके आगे बढ़ता है। सेम अगर उसी तरह से कोई वैश्य यानी कि कोई बिजनेसमैन उस बात को आत्मसात करता है तो वो बिजनेस करता है, क्योंकि बिजनेस करना है तो आपको कितना सत्य बोलना है, कितना सत्य बोलना है, उस धंधे यानी बिजनेस के हिसाब से काफ़ी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। एंड कई लोग बीच में ऐसे भी मुझे कमेंट मिले और ऐसी बात भी पूछी गई कि आप बताइए कि हम अगर पूर्ण सत्य की राह पे चले तो हम बिजनेस कैसे करें, हम कैसे अपने परिवार को, रोजी रोटी को पाल पाएं। एक भाई ने ऐसा भी कहा कि भाई मैं ये वस्तु 30 रुपये की ख़रीदता हूँ और मैं अगर 80 की ना बेचूँ तो मैं कैसे कमाऊँ, मेरे को अपने वर्कर्स की सैलरी निकालनी है, मुझे अपना ऑफिस का रेंट निकालना है और बहुत सारे खर्चे भी हैं, ट्रैवल अब दुनिया भर की माता बच्ची करके मैं ला के देता हूँ। तो मैंने उनसे यही कहा कि आपके ऊपर है कि आप कितना उसे प्रॉफिट कमा करके करना चाहते हैं, पर दुगुना तिगुना प्रॉफिट रखना तो वो गलत होता। तब उन्होंने समझाया कि नहीं, मुझे इस पे लगभग 55 रुपये तक का खर्चा पड़ जाता है, आती तो 30 की है पर और खर्चे भी तो जोड़े जाएंगे। तो फिर मैंने उनको कहा कि देखिए आप ये मत कहिए किसी से, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें तो पड़ा ही ये 70 का है, हम आपको 80 में दे रहे हैं। ज़बरदस्ती ऐसा झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है, जिसे खरीदना है यदि आपकी जो वस्तु आप विक्रय कर रहे हैं उसमें क्वालिटी है तो वो खरीदेगा ही। उनको बोल आप बोल सकते हैं कि इससे कम में मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। कोशिश यही करनी चाहिए जितना हो सके असत्य भाषण से बचें, परंतु यदि वो नितांत आवश्यक है तो सारगर्भित बोलें और कोशिश करें कि उसको भी पूर्ण असत्य ना होने दें, उसमें भी कुछ सत्य का प्रमाण रखें तो आपकी वाणी का प्रभाव भी बढ़ेगा और आपके कर्म में कुशलता भी बढ़ेगी और आप ग्लानी में नहीं मरेंगे और बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि या तो मैंने गलत कर दिया, वो सही कर दिया। और यदि हो पाए तो कभी कभी आपको ऐसे भी व्यक्ति आएंगे जिनके पास धन का अभाव होगा तो कोशिश करके उनको आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही अमल करेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और आप यदि स्वयं से मनन करेंगे तो आपके अंतरात्मा से आपको जवाब मिलेगा। और यकीन मानिएगा मित्रों, जो अंतरात्मा किसी भी सवाल का जवाब देगी ना, वो पूर्ण ब्रह्मांड में सब सर्वाधिक सर्वोत्तम उत्तर होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा और जीवन में आगे बढ़िएगा। जय श्री राम, जय साईं लीलाशाह।